can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living on mine, my city don't show me no love and that's fine. My local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. हे गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक सूरज में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एस्फाल्ट 9 से जो अपडेट आया है उसके बारे में। तो एस्फाल्ट 9 से अपडेट आया है कि ये वाली गेम अपने एंड्रॉयड के लिए 4 अप्रैल 2018 को रिलीज़ नहीं होने वाली है, ये होने वाली है बहुत ही लेट iOS के लिए ही बस, लेकिन एंड्रॉयड के लिए भी होगी लेकिन बहुत ही लेट होगी, ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं। ये झूठ है क्या सच है उसके ऊपर तो यकीन नहीं कर सकते, लेकिन ये सिर्फ न्यूज़ आई है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी ये वीडियो बनाने के बाद 2 घंटे में ये रिलीज़ हो जाए, नहीं तो 2 दिन बाद, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन जो न्यूज़ आई है मैं आपको वही बता रहा हूँ। क्यों सिर्फ iOS के लिए रिलीज़ हो रही है उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, वो तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन अंदाज़ा लग सकता है कि जब एंड्रॉयड में कोई गेम रिलीज़ होती है तो उसकी मौत जल्दी बन जाती है, इसलिए जो कंपनी उनको ज़्यादा फ़ायदा प्रॉफिट नहीं होता है, जितना पैसा गेम को बनाने में लगा उतना वसूल नहीं हो पाता है, इसलिए iOS में थोड़ा मॉड गेम बनाना हार्ड है, सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा ही टाइट होती है, इसलिए एंड्रॉयड में रिलीज़ नहीं हो रही, iOS में रिलीज़ हो गई है एस्फाल्ट 9 गेम। तो भी क्यों GameLoft ऐसा क्यों, वी लव एस्फाल्ट 9। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताने वाला था कि बहुत ही लेट गेम रिलीज़ होने वाले एस्फाल्ट 9 एंड्रॉयड में, और ये भी रियल न्यूज़ है कि फेक न्यूज़ है वो नहीं पता, लेकिन मैं बहुत जगह सुना हूँ। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को भी प्लीज़ लाइक कर देना, और हो सके तो शेयर भी कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे टेक्निकल वीडियोज़ गाइस लेकर आता हूँ। तो गाइस, चले मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेक न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो बाय गाइस।